नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लाइन। कहते हैं कि माँ और बेटी का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। राधिका जो कि अपने 6 साल की एक छोटे से बच्ची के साथ अपने बेटी स्नेहा के साथ एक घर में रहती थी। उसका पति राहुल काम करने के लिए विदेश चला गया था। अब उस घर में सिर्फ राधिका और उसकी 6 साल की बेटी स्नेहा ही रहते थे। राधिका के लिए उसकी बेटी स्नेहा का खुशी सबसे अनमोल था। वो अपने बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो हमेशा अपने बेटी के साथ खेलती रहती थी। एक दिन राधिका अपने 6 साल की बेटी को लेकर एक पार्क में जाती है। उस पार्क में छोटे छोटे बच्चे सब खेलते थे। वो अपने बेटी को भी लेकर वहां गई और उसके बेटी भी उस पार्क में जाकर छोटे छोटे बच्चे के साथ मिलजुल कर खेलने लगी। राधिका दूर बैठ कर अपनी बेटी को देख रही थी। बहुत मजा आ रहा था। अपनी बेटी की हंसी देखकर राधिका भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा और क्या हो सकता है। राधिका दूर बैठकर ये सब देख रही थी। तभी अचानक ही क्या हुआ, राधिका ने देखा कि उसकी जो बेटी थी स्नेहा अपने हाथों में एक छोटा सा डॉल, इतना छोटा सा डॉल कहीं गिरा हुआ था, उस डॉल को उठाकर उस डॉल के साथ खेल रही थी। ये सब दूर बैठकर जब राधिका ने देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। पता नहीं किसका डॉल होगा, क्या होगा, ये सोचकर राधिका तुरंत ही अपने बेटी के पास गई और वहां जाकर अपने बेटी को बोलने लगी कि ये डॉल फेंक दो, ये किसका डॉल है हमें पता नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया ला कर देती हूँ। मगर उसकी बेटी जो स्नेहा थी, छोटी सी बच्ची, वो नासमझ थी, वो रोने लगी। डॉल के साथ लगता है उसका कोई रिश्ता ऐसा जुड़ गया था कि उस डॉल को वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। राधिका बहुत ही घबराई हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बेटी को उस डॉल से कैसे अलग करे। राधिका सोच रही थी अगर वो डॉल जिसका है उसे पता चलेगा तो वो बुरा भला कह सकता है, कुछ बुरा कह सकता है, ये सोचकर राधिका टेंशन में रहने लगी। उस देर उस जगह पर रहने के बाद राधिका ने देखा कि उस डॉल को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। तो राधिका ने सोचा कि शायद कोई उस पार्क में छोड़कर चला गया होगा, उसे लेने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर राधिका भी अपने बच्ची की खुशी के लिए उस डॉल को भी लेकर अपने घर आ जाती है। दिन बीतता गया। राधिका को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जो बेटी है वो अपने माँ से ज्यादा उस डॉल से ज्यादा प्यार करने लगी थी, उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। इससे राधिका को भी थोड़ा बुरा लगा क्योंकि अपने बच्ची माँ के साथ नहीं मिल रही थी, उस डॉल के साथ खेल रही थी, इसलिए राधिका को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद उसका जो बेटी, 6 साल की बेटी स्नेहा जो थी कि अचानक बीमार पड़ गई। लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद भी डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, आपके बेटी को क्या हुआ है हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी राधिका की बेटी स्नेहा का तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती गई, वो ठीक नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके स्नेहा की सांसें रुक गया। एक माँ के लिए इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है। राधिका ने अपनी बेटी को बचाने की हर संभव कोशिश की मगर उसकी छोटी सी बेटी ने अपना जिंदगी छोड़ दिया था। इस बात को राधिका भूला नहीं पाई। धीरे धीरे करके राधिका भी अपना खाना पीना छोड़ दी। हर वक्त अपने बेटी के कमरे में बैठकर अपनी बेटी की तस्वीर देखकर रोने लगी। नेहा के जाने के बाद राधिका का जीवन एकदम निराश हो गया था। एक रात जब राधिका सोने के लिए अपने कमरे के अंदर गई तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। उसने गौर से देखा कि नेहा का वही खिलौना जिसे उसने अलमारी के अंदर रखा था, वही खिलौना राधिका के बिस्तर के ऊपर कोई रखा है। ये सब देखकर राधिका को थोड़ा सा अजीब सा लगा, ये कैसे हो सकता है। उसे याद है कि वो उस खिलौने को राधिका के जाने के बाद उस खिलौने को
वो अलमारी के अंदर रख दिया था। आखिर अलमारी से उस खिलौने को निकाल कर उसके बिस्तर के ऊपर कौन रखा? राधिका थोड़ा सोचने लगी, फिर सोचे शायद उसके बेटी की याद में वो ही, उसको पता नहीं वो ही कब खिलौने को निकाल कर रख दिया होगा। ये सोचकर राधिका उसे भुला दिया और उस खिलौने को वो फिर से लेकर उस आलमारी के अंदर रख दी और रात में आराम से सो गई। अगले ही दिन सुबह जैसे सुबह हुआ वो उठा, उठकर देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि वही खिलौना जिससे वो रात को आलमारी के अंदर रखा था वही खिलौना राधिका के बिस्तर के ऊपर फिर से था। उस खिलौने को देखकर राधिका को थोड़ा अजीब सा लगा। उस वक्त राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। शायद वो अपनी बेटी को इतना प्यार करती थी, ये सोच सोच कर बस ये बस उसका कोई दिमाग का खेल है, ये सोचने लगी। वो धीरे धीरे करके बीमार होते जा रही थी। चार दिन के बाद जब राधिका अपने कमरे में रात को सो रही थी तो उसे एक सपना आया। उसने देखा कि सपनों में उसकी बेटी उसकी ओर बढ़ रही थी माँ माँ कहकर, मगर उसकी बेटी का चेहरा कुछ धुंधला सा था, ठीक से उसकी बेटी की चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। स्नेहा ने कहा कि माँ मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे बचा लो। स्नेहा के बातें सुनने के बाद राधिका का नींद टूट गया। वो उठकर बिस्तर पर बैठ के इधर उधर देखने लगी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। राधिका ने सोचा कि आखिर उसे अपनी बेटी की इस तरह की सपना क्यों आया? क्या उसकी बेटी कोई मुसीबत में है? क्या उसकी बेटी कोई तकलीफ में है जो अपने माँ को बार बार बुला रहा है? अगले ही दिन फिर से राधिका को वो ही सपना आया। स्नेहा उसके सपनों में आकर सिर्फ कह रही थी कि माँ मुझे बचा लो, यहाँ से मुझे निकालो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, बहुत डर लग रहा है, यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, माँ मुझे बचा लो। राधिका को बार बार वो सपना आना और अपनी बेटी का मदद मांगना, ये सब देखने के बाद राधिका समझ गई थी कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं मुसीबत में है। भले ही वो उसे छोड़कर चली गई होगी, मगर उसकी आत्मा कहीं पर फंस गई है जो बार बार अपनी माँ को मदद मांग रही है। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, वो क्या करेगी। राधिका ने तुरंत ही अपने पास वाले बिल्डिंग में गई, वहाँ पर एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। राधिका उस दादी माँ के पास जाकर सारे बातें बताने लगी। दादी माँ ने जब सुना राधिका के ये बातें, बार बार सपनों में उसकी बेटी आ रही है, उसे मदद मांग रही है, तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी किसी बुरी आत्मा के साय में फंस गई है, वो इसीलिए तुम्हें मदद मांग रही है, बार बार तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। राधिका ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताइए दादी माँ मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूँगी जो मेरी बेटी को मुक्ति मिल सके। उस दादी माँ ने कहा कि इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, मेरे हिसाब से एक आदमी है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, कल सुबह ही हम चलते हैं उस आदमी के पास, वो एक तांत्रिक है, वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। राधिका ने कहा कि ठीक है। अगले ही दिन सुबह राधिका और दादी माँ दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक को सारे बातें बताने लगे। सारे बातें सुनने के बाद उस तांत्रिक ने राधिका को पूछा कि तुम्हारी बेटी की मौत कैसी हुई थी, पूरी सच्चाई बताओ, तुम्हारी बेटी की मौत कैसी हुई थी, तभी जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ। राधिका ने सारे बातें बताया। उसके बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई और कुछ दिनों के बाद वो मर गई। तांत्रिक को कुछ समझ में नहीं आया। तांत्रिक ने पूछा कि ठीक है, तुम्हारी बेटी की मरने के 10-15 दिन के बीच में उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ था? राधिका सोच में डूब गई और कहने लगी कि हाँ बाबा, हम दोनों एक बार पार्क में गए थे, मेरी बेटी उस पार्क में खेल रही थी और उसी पार्क में मेरी बेटी को एक खिलौना मिला था, एक छोटा सा खिलौना मिला था। उस खिलौने को लेकर हम जब घर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी मतलब मुझसे दूर होते जा रही थी, वो उस खिलौने से ही हमेशा उसका ज़्यादा लगाव रहने लगी, वो हमेशा उस खिलौने के साथ ही खेलती रहती थी और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत खराब होते गई और कुछ दिनों के बाद वो चली गई। तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, वो खिलौना कहाँ पर है? राधिका ने कहा कि वो खिलौना मेरे घर में है, मेरे आलमारी में है, और अजीब सा बात ये है कि कुछ दिनों से
वो खिलौना बार बार मेरे बिस्तर के ऊपर लाकर कोई रख देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं जितना भी उस खिलौने को लेकर अपने अलमारी के अंदर रखता हूँ, वो सुबह होते ही वो खिलौना फिर से मेरे बिस्तर के ऊपर आ जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी को आप ही बचा सकते हैं। तांत्रिक ने कहा कि डरो मत, मैं पूजा पाठ का आयोजन करता हूँ, तुम्हारी बेटी को जरूर बचाऊंगा मैं। तुम ऐसा काम करो, उस खिलौने को लेकर मेरे पास आओ। तांत्रिक ने पूजा पाठ करके अपने मंत्रों की बल से एक लाल रुमाल निकाला और उस रुमाल को राधिका को देते हुए कहने लगा कि बेटा इस रुमाल को लेकर जाओ। ये रुमाल अपने घर लेकर जाने के बाद वो जो खिलौना है उस खिलौने के ऊपर इस रुमाल को ढक देना। रुमाल को उस खिलौने में ढककर तुम मेरे पास लेकर आओ। मैं पूजा पाठ करके तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश करती हूँ, आखिर उस खिलौने से और तुम्हारी बेटी की आत्मा से क्या संबंध है, तभी जाकर तो पता चलेगा। राधिका ने वैसा ही किया, बाबा के बातें मानकर उस जो मंत्रित रुमाल को लेकर अपने घर गई। घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो कबट खोली तो उस कबट में वो खिलौना था ही नहीं। राधिका चौंक गई क्योंकि वो अपने अलमारी की उस कबट में ही उस खिलौने को रखी थी, आखिर वो खिलौना गया कहाँ। राधिका पूरी कमरे की छानबीन की मगर उसे कोई खिलौना दिखाई नहीं दिया। राधिका थकान के कारण रात को सो गई। जब राधिका अपने बिस्तर पर सो रही थी तभी अजीब सा एक आवाज सुनाई दिया। वो आवाज उसकी बेटी की थी। वो बेटी चीखते हुए अपने माँ को बुला रही थी। पहली बार वो अपनी बेटी की चीखें सुनी थी। राधिका घबरा कर उठ कर बैठ गई बिस्तर में तो उसने देखा कि उसके सामने ही वो खिलौना था। राधिका तुरंत ही उस खिलौने के ऊपर वो लाल रुमाल डाल दिया और लाल रुमाल को पूरी तरह से पैकिंग करके उस खिलौने को ढककर अगले ही दिन दादी माँ के साथ मिलकर उस खिलौने के लेकर उस तांत्रिक के पास गया। वहां पहुंचने के बाद वो रात की घटना बताई कि बाबा इस तरह से मुझे तो खिलौना नहीं मिल रहा था और रात में जब मैं सो रही थी तभी मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई दिया और मैं जैसे ही उठकर बैठा तो मेरे सामने ये खिलौना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये खिलौना अचानक कहाँ गायब हो गया था। तांत्रिक ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तांत्रिक मंत्र पाठ करने लगा और कहने लगा कि इस खिलौने में एक बुरी आत्मा का साया है, हमें इस खिलौने को उसी जगह पर लेकर छोड़ना पड़ेगा जहां से तुम्हारी बेटी उठाई थी। राधिका उस तांत्रिक के साथ उसी पार्क में गई और कहने लगी कि उस जगह से ही मेरी बेटी उठाई थी। तांत्रिक उस खिलौने को लेकर उसी जगह पर गया, वहां जाकर मंत्र पाठ करके उसी खिलौने को उस जगह पर जला दिया। जैसे ही वो उस खिलौने को उसने जलाया तो उस खिलौने से एक चमक उठी, एक रोशनी निकली। उस रोशनी को देखते ही राधिका की आंखों में आंसू निकल आया। राधिका ने देखा कि उस रोशनी में अपनी बेटी की झलक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी रोते हुए अपने माँ की तरफ देख रही थी। ये सब देखकर राधिका की आंखों में आंसू निकल आया। वो आसमान की ओर देखने लगी। उसकी बेटी धीरे धीरे करके आसमान में कहीं गुम हो गई। राधिका गम तो था अपनी बेटी को खोने की, मगर उससे ज्यादा खुशी ये था कि वो अपनी बेटी को मुक्ति दिला दी। राधिका अपने घर वापस चली गई, मगर हैरानी की बात ये था कि 4 दिन के बाद जब राधिका मार्केट जा रही थी तो उसने देखा कि एक स्कूटी पर बैठकर एक फैमिली जा रहे थे। उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था, एक लड़का था, उसका भी उम्र 7-8 साल होगा। उस बच्चे के हाथ में वही खिलौना था जिस खिलौने को राधिका ने और तांत्रिक ने दोनों ने मिलकर जाकर उस पार्क में जला दिए थे। उस खिलौने को देखते ही राधिका चौंक गई, आखिर वो खिलौना वापस कैसे आ सकता है, उसने तो उस खिलौने को जला दिया था। राधिका उस फैमिली वालों की पीछा करने लगी, भागते भागते गई, मगर वो स्कूटी में बैठकर जा रहे थे, वो चले गए। राधिका बहुत कोशिश की उस फैमिली की पीछा करने के लिए मगर वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाई। आप लोगों को क्या लगता है, वो वही खिलौना है जिस खिलौने को राधिका ने पार्क में जलाया था? अगर वो खिलौना फिर से वापस आ गया तो उस बच्चे के साथ भी वही होगा जो राधिका के बेटी के साथ हुआ था, क्या लगता है आपको? वैसे दोस्तों ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक
और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।